रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट द फेसिंग। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, मतलब क्या कह रहा है हमारा जो बताना है। देखिए आप ये पूरा वन रोटेशन अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अगर यहां से हम क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे तो कितने का एंगल बनेगा 360 डिग्री का। अगर हम इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहे हैं तब भी हमारा क्या रोटेशन कितने होगा 360 डिग्री का। देखिए कह रहा है विच डायरेक्शन विल बी फेस यू स्टार्ट फेसिंग, मतलब किस डायरेक्शन में फेस है ईस्ट डायरेक्शन में फेस है। कह रहा है ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, कह रहा है कैसा बोला है क्लॉकवाइज। अगर आप क्या कहते हैं जिधर से क्लॉकवाइज जिधर से क्या कहते हैं जो हमारी वॉच की जो नीडल होती है क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करेगी तो कितना करेगी वो बताना, तो उसके बाद उसका फेस किस साइड डायरेक्शन में होगा ये बताना। देखिए कितना रिवॉल्यूशन कर रहा हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन कर रहा, पहले ईस्ट से हमारा जब रिवॉल्यूशन हुआ कहां पहुंचा वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचा, वेस्ट वाले डायरेक्शन में पहुंचा तो उसका जो फेस किधर होगा, अब हमारा फेस किधर हो जाएगा हमारे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, इसका क्या हो जाएगा फेस हो जाएगा। कितना उसने रिवॉल्यूशन किया ये हमारा रिवॉल्यूशन यहां पे आ जाएगा कितना वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है इसी को बी पार्ट कर रहा है, थर्ड वाले कह रहा है ईस्ट एंड मेक वन इंटीजर वन अपॉन टू ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्लॉक वाइज। देखिए कह रहा है अब कितना हमको वन ईस्ट डायरेक्शन में कितना वन और किसका वन हाफ रेवोल्यूशन करना है, तो मींस कितना रेवोल्यूशन करना है, तो कहने का मींस हो गया ये जो हमारा रोटेशन है एक पूरा ऐसे रोटेशन कैसे ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा। देखिए कहां से ईस्ट से स्टार्ट किया फिर कहां पहुंच गया ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया, फिर यहां से स्टार्ट किया कितना हाफ ऑफ रेवोल्यूशन और तो यहां पे आके हमारा क्या हुआ रुक जाएगा। तो ये हमारी जो क्या थी पहले कहा था इस पहले वाले इसके क्वेश्चन में वेस्ट पे अगर रुका था फिर उसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी, किधर इस डायरेक्ट वेस्ट साइड में उसका क्या हो जाएगा फेस हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। देखिए होता है क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉक हो जाता है, कहां रहा है कि डायरेक्शन हमारी कैसी वेस्ट डायरेक्शन होगी एंड मेक 3/4 एंगल। देखिए 3/4 एंगल होगा और अब की बार हमारा जो फेसिंग है कहां से है, अब की बार हमारा फेसिंग जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम कितना 3/4 फाइंड करेंगे। देखिए 3/4 हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा यहां से रोटेट करेगा तो ये हमारा वन पूरा कंप्लीट हो गया एक हाफ 1/4 हो गया, ये कितना हो गया ये हमारा 1/2 हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा ये जो डायरेक्शन आ रही कितनी हो जाएगी, अगर हम फोर्थ में करेंगे तो 1/4 2/4 और ये कितनी डायरेक्शन हमारी जाएगी 3/4 ये हमारा रोटेशन करेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन है कैसी डायरेक्शन है, इसका जो फेस होगा किस डायरेक्शन में होगा साउथ डायरेक्शन में इसका फेस होगा। इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3/4 साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, अगर इस साउथ डायरेक्शन में है तो कैसा था ये देखिए हम सॉरी देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या था हमको एंटी क्लॉकवाइज बताना था और ये हमने कैसे क्लॉकवाइज बता दिया है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम रोटेट करेंगे तो किधर से रोटेट करेंगे, देखिए यहां से हमारा जो रोटेशन होगा यहां से ये कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज में होगा हमारा ऐसे रोटेशन होगा ऐसे हमारा कितना जाएगा 3/4 में किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमारा जाएगा साउथ सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद कह रहा है साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, कह रहा है कैसा वन फुल रिवॉल्यूशन कह रहा है। देखिए अगर साउथ डायरेक्शन में है अगर चाहे आप एक पूरा कंप्लीट ऐसे रिवॉल्यूशन करेंगे चाहे आप एंटी क्लॉक चाहे क्लॉकवाइज करिए या आप एंटी क्लॉकवाइज वन पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो जहां से आप स्टार्ट किए थे उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे अपने पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। जैसे हमने अभी क्या कहते हैं इस क्वेश्चन थर्ड वाले को किया था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा फोर है उसको भी आप क्या करिएगा वैसे लगाइएगा सॉल्व करिएगा देखिएगा क्या आता है रिजल्ट, ऐसे इसको अलग अलग बनाइएगा हमने एक ही बना दिया है तो आप अलग अलग में फिगर क्या करेंगे ड्रा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फाइव क्या करते हैं देखते हैं उसे सॉल्व करते हैं। अब फाइव का पहला क्वेश्चन है
ये हमारा 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसी में फर्स्ट पार्ट दिया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोस। देखिए कह रहा है कितने नंबर ऑफ द टर्न बोल रहा है, कितने राइट एंगल्स के, ये हमको क्लॉक जब क्या कर रही है, मूव कर रही है कहां से कहां तक, तो ये हमको एंगल्स बताने हैं। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं। तो पहला देख लीजिए 3 to 6, देखिए कह रहा है 3 to 6 से कितने डिग्री का, कितने मतलब राइट एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारा क्या होगा, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में, अगर एक सर्किल है पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में, तो कितने राइट एंगल फॉर्मेशन होंगे। अगर हम इसे 90 डिग्री से डिवीजन करेंगे, इसको हम किससे 90 डिग्री से डिवीजन करेंगे, तो हमारा डिवीजन करने पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 4 राइट एंगल। तो इस कितने पार्ट में से डिवीजन करेगा, 4 राइट एंगल में आप डिवीजन करेगा। सीधा सा पहले कांसेप्ट है, एक क्लॉक को कितने 4 राइट एंगल में डिवीजन करना। करा 3 टू 6 कहां से, इस आवर अगर हैंड है 3, ये हमारा हो गया, और 6 तक आने में कितना मतलब राइट एंगल बनाएगा। तो देखिए 3 से लेकर 6 तक बनाने में कितना होगा, 1 राइट एंगल, ये कितना हमारा हो जाएगा, 1 राइट एंगल का फॉर्मेशन करेगा। किस वाले में, इस पहले वाले क्वेश्चन में कितने होगा, 1 राइट एंगल, कितने राइट एंगल का बना रहा, 1 राइट एंगल बना रहा। उसके बाद दूसरा कह रहा है 2 से कहां तक, 8 हो जा रहा। देखिए यहां पे कहीं क्या होगा, 1 एक ओक्लाक होगा और यहां पे कहीं 2 हो जाएगा, देखिए 7 ओक्लाक और यहां पे क्या 8 ओक्लाक हो जाएगा। देखिए 7 हो गया और यहां पे हमने 5 लिख दिया और यहां पे हमने कर दिया 4, ऐसे यहां पे हमने 10 राइट कर दिया और यहां पे 11। तो कह रहा है अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 2 से हमारा कितने, 2 ओक्लाक से लेकर कितने 8 ओक्लाक तक कितने राइट एंगल बनेंगे। तो देखिए कितने राइट एंगल बनेंगे, तो देख लीजिए सबसे पहले एंगल आप पता कर लीजिए, ये टोटल कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, ये हाफ ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा है। 2 से कितना हो रहा है, 180, कैसा एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। तो इसमें कितने, अगर वन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा है, कितने 2 राइट एंगल। इस वाले क्वेश्चन बी वाले पार्ट में हमारा कितना जाएगा, 2 राइट एंगल, इस 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2 राइट एंगल, ऐसे इसका फिगर बना दीजिएगा और इसे यहां नीचे लिखिएगा 2 राइट एंगल। ऐसे अगर सी वाला कह रहा है तो सी वाले का भी ऐसे हम फिगर बना देंगे, ऐसे क्लॉक बना देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे, 12 के बाद कितना 3 यहां पे हो जाएगा, 3 के बाद हमारा 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9, कहां से कहां कह रहा है, देखिए 5 है यहां पे हमारा हो गया 5 ओक्लाक और यहां पे क्या हो गया 11 हो गया। देखिए इसके बीच में कितना यहां पे हमारा हो गया, नीडल हो गई यहां से लेकर कहां तक, इस 11 तक कितने डिग्री का एंगल बना है, कितना का रिवोल्यूशन हो रहा है, इसका भी हाफ हाफ रोटेशन हो रहा है, देखिए हाफ हाफ रोटेशन कर रहा है, यहां पे भी हम लिखेंगे 2 राइट एंगल। तो हमको क्या बताना है, कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल बनेंगे। ऐसे 10 से लेकर 1 तक, अब देखिए 10 हमारा कहां पे, यहां पे 10 होगा, 1 होगा, कितने जितना होगा वो बनाइएगा, इस सबको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा और देखिए कितने राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। ऐसे सबका आप अलग अलग फिगर बनाएंगे, एक ही में नहीं बनाएंगे, सबका अलग। देखिए यहाँ पे 2 राइट एंगल होगा, इसमें भी 2, इसके पहले एक हमने फिगर बनाया था तो उसमें 1 राइट एंगल हो रहा था, ऐसे फॉर्मेशन करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। चलिए यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। तो क्या कर रहा है, स्टार्ट फेसिंग कर रहा है, कह रहा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो हमको ये बताना कितने राइट एंगल बना रहा है, तो देखिए कितने राइट एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले आप ऐसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये देखिए डायरेक्शन हमारी कौन सी हुई, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, नॉर्थ से, और यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, साउथ को। यहाँ से देखिए इन दोनों को पैरेलल इधर से इंटरसेप्ट कर दिया, ये हमारी डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन हो गई और ये हमारी कैसे ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या करा है, साउथ से स्टार्ट एंड करा है साउथ एंड टर्न द क्लॉक वाइज टू वेस्ट, मतलब साउथ से कहां, देखिए आप क्या करेंगे टर्न क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे हमारी क्या रोटेशन कैसे करता है, जो हमारी घड़ी की जो नीडल होती है वैसे रोटेशन करता है वो, कैसा कि मतलब 1 रोटेशन करता है, यहां से ऐसे ऐसे करेगा क्लॉकवाइज, ऐसे आप रोटेट करेंगे। तो कह रहा है क्या बताना आपको, क्लॉकवाइज साउथ डायरेक्शन से कहां जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए इसका जो हमारा जो टर्न, कितने का टर्न हुआ, तो हमारा कितने राइट एंगल बने, ये हमारा 90 डिग्री का एक राइट एंगल का क्या किया, फॉर्म किया। यहाँ साउथ डायरेक्शन से कैसा होगा, इसका फेस किधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। दूसरा कह रहा है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा। तो देखिए आप अभी
ऐसे रोटेट कर रहे थे, अब क्या उसी का उल्टा रोटेट करेंगे, कहां से नॉर्थ टू साउथ हो गया। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, इसका हमारा कहां तक रोटेशन करना है, एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, कहां तक ईस्ट। देखिए हमारा क्या होगा, साउथ यहां वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा कैसा हो गया ईस्ट हो गया, ये हमारा यहाँ वन एंगल राइट एंगल, टू राइट एंगल, कितना हो गया थ्री राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल का फॉर्म हुआ यहाँ पे हमारे थ्री राइट एंगल, राइट एंगल, ये दूसरे वाले हमारा कितना थ्री राइट एंगल का फॉर्म हो गया। और हमको कह रहा था हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक यू स्टार्ट द फेसिंग, मतलब इस फेस से स्टार्ट होने के बाद कितने थ्री राइट एंगल्स का क्या किया फॉर्म किया। ऐसे इसमें क्वेश्चन और दिए गए हैं, करा वेस्ट एंड टर्न टू द वेस्ट, मतलब वेस्ट से टर्न होके कहां तक वेस्ट आ रहा। देखिए ऐसे कर यहां से हमारा टर्न होगा किससे, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद यहां पे आ रहा है, कितने पूरे कितने चार राइट एंगल का फॉर्म है, पूरा एक रेवोल्यूशन कर रहा है, पूरा क्या कर रहा है एक रोटेशन कर रहा है, तो कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे फोर होंगे। इसी तरह इसका क्या डी वाला है, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से कहां नॉर्थ तक कितने राइट एंगल बनेंगे टू राइट एंगल होंगे। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेवन भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन क्या कह रहा है, तो सेवन को हम देख लेते हैं, कह रहा है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, कह रहा है स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम सिक्स एंड टर्न थ्रू वन राइट एंगल। देखिए ऐसे आप क्या बना दिए क्लॉक बना दीजिए, क्लॉक में यहाँ पे क्या ट्वेल्व यहाँ पे थोड़ा सर्किल बना दिया, एक सर्किल बना दिया। देखिए सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे ट्वेल्व लिख दिया, यहाँ पे थ्री लिख दिया, यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे नाइन, क्या कह रहा है फ्रॉम सिक्स टू टर्न वन राइट एंगल। देखिए कहां से इस सिक्स से टर्न हो रहा है कितना एक राइट एंगल, देखिए ये वन राइट एंगल क्या हो गया टर्न हो गया, इस राइट एंगल टर्न होने के बाद तो कह रहा वेयर द हैंड क्लॉक स्टॉप स्टार्ट, ये स्टार्ट होने के बाद कहां पे स्टॉप हुई, तो हम लिख देंगे स्टॉप स्टॉप एट नाइन ओ क्लॉक पे, नाइन पे कहां हो गई नाइन पे क्या हो गई स्टार हो गई। देखिए सिक्स से कितना राइट एंगल चला, एक राइट एंगल हो गया किस पे नाइन पे हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम एट टर्न टू राइट एंगल, अब ऐसे यहां से क्या बनाएंगे यहां पे हमारा क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, देखिए एट टू राइट एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहां हमने टू का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए जब टू राइट एंगल ए हमारा यहां से एक पॉइंट था तो यहां हमारा एट हो गया, एक राइट एंगल यहां पे बनेगा और एक राइट एंगल कहां बनेगा यहां बनेगा, तो दो राइट एंगल बन जाएगा। टाइम कितने पे स्टॉप इसका हो जाएगा टाइम टू ओ क्लॉक पे क्या हो जाएगा ये हमारी जो हैंड जो घड़ी है क्या हो गई स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन में कुछ करना नहीं है, आपको ऐसे वॉच बनानी है और उसका क्या है टाइम को रिप्रेजेंट कर देना है, तो ऐसे आप क्या करिएगा बनाइएगा और उसका रिप्रेजेंटेशन करिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे फिगर बनाइएगा और जो जो कह रहा है जितने जितने राइट एंगल कह रहा है उतने आप ड्रा करते जाइएगा।